अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 25 डेटा स्ट्रक्चर का, जिसमें हम लोग सीखेंगे एक्सप्रेशन ट्री, और अगर वहाँ पर टाइम मिले तो इंशाल्लाह हाफ मैन एनकोडिंग सीखेंगे, ठीक है ना। वरना मैं लेक्चर नंबर 26 के साथ ही आप लोगों को मैं हाफ मैन एनकोडिंग और बाइनरी जो ट्री है ना, बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री, वो सिखा दूँगा मैं, ठीक है ना। अभी जो एक्सप्रेशन ट्री है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। उसमें से आपके शॉर्ट्स वगैरह बन सकते हैं, बाकायदा आपको जो है ना MCQs आ सकते हैं, हम आपको ये ट्री बना कर दे देंगे, ठीक है ना। आपको बताना पड़ेगा कि ये ट्री जो है कौन सी एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्रेशन ट्री बनाते कैसे हैं। मैं भी मज़ीद इसके आगे नहीं बढ़ूँगा, हम यहाँ से इसको स्टॉप करके मैं अपने तरीके से आपको पहले समझाऊँगा, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि भी हम लोग कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास जैसे कि एक एक्सप्रेशन मौजूद है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखा मैंने ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी, ठीक है ना। मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी मैंने प्लस, ठीक है। अभी सिंपल सा एक्सप्रेशन बना रहा हूँ, मज़े से कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊँगा मैं। यहाँ पर लिख दिया मैंने डी प्लस बी मल्टीप्लाई बाई जी, ठीक है ना। ये एक हमारे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। हमने इससे क्या बनानी है, एक एक्सप्रेशन ट्री बनाना है, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ तक ना जो हाई प्रेसिडेंस होगा सबसे लोएस्ट में आएगा, जो लोअर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेशन होंगे ना वो सबसे ऊपर आएगा। अभी यहाँ पर देखें, वहाँ पे ब्रैकेट्स लगे हुए यहाँ पे, यानी कि लेफ्ट ट्री वहाँ पे ये बन जाएगा और राइट ट्री वहाँ पे ये बनेगा। आप लोगों ने याद रखना हमेशा जो है ना, आपने मूव करना है किस तरह, लेफ़्ट टू राइट की तरफ मूव करना है इसके अंदर, ठीक है ना। अगर ब्रैकेट्स लगी हुई फिर भी, अगर नहीं भी लगी फिर भी, लेकिन आप लोगों ने याद रखना तो जब हमारा ब्रैकेट्स लगी हुई हो ना, तो आप लोगों ने सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर ब्रैकेट्स लगी हुई है, अगर तो लेफ्ट ट्री में आ गए। अब इसके अंदर मज़ीद कोई ब्रैकेट नहीं है इसके अंदर, तो हम लोग इसे मूव कैसे करेंगे, लेफ्ट राइट मूव करेंगे, ठीक है ना। इसको कैसे मूव करेंगे, हम लोग लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं ऐसा करके, ठीक है ना। सेम एट्रीज हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे मजीद पे ब्रैकेट है जो, यानी सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, दैन जो इसका आंसर होगा फिर इसके साथ आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैथ में काम करते हैं, बोर्ड मैथ सूर्य सार्वजनिक काम है, जो सबसे छोटी ब्रैकेट होगी सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे हम लोग, फिर मजीद सॉल्व करते रहेंगे। अच्छा जी, हम इसका ट्री बनाते हैं हम लोग। अच्छा, अब यहाँ पर जो इसका जो ट्री बनेगा ना, कुछ इस टाइप का बनेगा। सबसे प्लस यहाँ पर बना हुआ ना, मैं प्लस का सिंबल बना दूँगा यहाँ पर, ये प्लस आ गया हमारे पास, ठीक है ना। एक लेफ़्ट ट्री बन जाएगा सर करके, और एक यहाँ पर राइट ट्री आ जाएगा। लेफ़्ट ट्री यहाँ पर कौन सा मौजूद है, ये लेफ़्ट है, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा ट्री है, राइट ट्री है, ठीक है ना। सारी बात यहाँ पर अपार्ट है ना प्लस के थ्रू, ठीक है ना। अगर ब्रैकेट्स ना होती तो लेफ़्ट राइट वाला काम ना होता हमारे पास, ठीक है। हम सब उसे अगर वहाँ पे ब्रैकेट्स ना होती है वाले, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर देखते सबसे पहले क्या सॉल्व हो रहा है हमारे पास, तो उसके लिहाज से हम इसको काम करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई प्लस सी, फिर क्या है ए प्लस, यानी कि हमारे पास जो है यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, इधर प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। इधर प्लस आने के बाद इसके इस साइड पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखें ना ये प्लस है ना, इसके इस साइड पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ए आ जाएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ डायग्राम सागर के बनाता हूँ, मैं इस सागर के बनाता हूँ ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, माय बैड, यहाँ मैंने ए लिख दिया, ठीक है ना। और उसकी दूसरी साइड पे हम लोग क्या लिख देंगे, यानी कि हमारे पास जो है ना इधर क्या आ जाएगा, फिर इस साइड पर इधर यहाँ पर दो नोट्स बन जाएंगे ना। एक दो सबसे पहले आएगा मल्टीप्लाई का निशान, ठीक है ना। इधर वापस क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का निशान आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई का निशान आ गया। देन हमारे पास क्या होगा, मज़ीद यहाँ दो नोट निकलेंगे, एक दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे, फिर इधर आ जाएगा बी आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, सी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए बी प्लस सी, अब जो उसका आंसर आएगा वो प्लस होगा, किसके साथ आ जाएगा, ए के साथ आ जाएगा। सेम एज इट इज़, अब प्लस के इस साइड पे आ जाए हम लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास मल्टीप्लाई का निशान आएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई के निशान के बाद इसके जो वहाँ पर लेफ्ट साइड है वहाँ पर क्या आ रहा है, डी प्लस बी आ रहा है, और इसके यहाँ पर क्या आ रहा है, जी आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई का निशान आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास इस साइड पे क्या आ जाएगा, फिर इधर वहाँ पर दो नोट्स बनेंगे डी प्लस बी के लिए, ठीक है ना। मैं इसको ऐसा कर इधर अपनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक इधर इससे आकर के यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले प्लस का निशान, इधर प्लस का निशान बनाया मैंने, ठीक है ना। अब जो प्लस वाला निशान है प्लस के साथ, ये मल्टीप्लाई नहीं है, वहाँ पे प्लस है, आपने याद रखना है ये प्लस है, ठीक है ना। अब इसके साथ वहाँ पर डी प्लस बी है, वहाँ पर इसके बारे प्लस वन है। इससे आकर के लगाता हूँ उसको ताकि वहाँ पर थोड़ा बहुत ठीक लगे। उसके से लिख दिया मैंने, उस को मैंने ऐसा लिख दिया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा बी आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास डी आ गया, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई का इस साइड पे क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा फिर जी आ जाएगा, ठीक है ना। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरह करके वहाँ पास जो है ना एक एक्सप्रेशन ट्री बनता है जो प्रॉपर तरीके से आपको काम करता है। अब हम चलते हैं हैंड आउट्स की तरफ। आई थिंक सो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हैंड आउट्स से चलते हैं हम लोग। हैंड आउट्स में अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक ट्री बना हुआ है। अब आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर इसमें क्या हो रहा है, बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस ए, ठीक है ना। फिर वहाँ पे ये ब्रैकेट आ गई, फिर ये प्लस आ गया, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, डी मल्टीप्लाई बाय ई प्लस एफ मल्टीप्लाई बाय जी, ठीक है ना। फिर इसको जो इसका आंसर आएगा उसको प्लस करेंगे, इसके साथ कर रहे हैं। बस ये है हमारे पास एक्सप्रेशन ट्री, ठीक है ना। अगर हम नीचे आते थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पर देख रहे हैं ये वही ऊपर वाला एक्सप्रेशन ट्री है, यहाँ वही लिखा हुआ है ए प्लस, ठीक है ना, बी मल्टीप्लाई बाय सी, देन प्लस, उसके बाद डी मल्टीप्लाई बाय ई, फिर प्लस, ठीक है ना, फिर एफ मल्टीप्लाई बाय जी, ठीक है ना। क्लियर हो गया चीज़ का। अब ये बता रहे भी हम यहाँ पर इन ऑर्डर रूटीन क्या होती है हमारे पास, और जो है पोस्ट ऑर्डर क्या होते हैं, प्री ऑर्डर क्या होती है, ठीक है ना। वो हम बात करेंगे मज़ीद आगे आकर कि वहाँ पर किस तरह काम करता है, ठीक है ना। इन ऑर्डर में भी खैर आपको पता है कि इन ऑर्डर में सबसे पहले क्या होता है, पहले लेफ़्ट आता है, फिर आपस क्या आता है, वहाँ पर रूट एलिमेंट आता है, फिर वहाँ पर क्या आता है, राइट आता है, ठीक है ना। सबसे पहले लेफ़्ट लिखोगे, फिर रूट एलिमेंट लिखोगे, फिर राइट लिखोगे। यहाँ पर क्या होता है, एक इन ऑर्डर होता है। प्री ऑर्डर में क्या होता है, पहले हमारे पास क्या आता है, रूट आता है, ठीक है ना। प्री ऑर्डर में क्या होता है, रूट आता है, फिर लेफ़्ट, फिर राइट आता है। फिर पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर में लेफ़्ट राइट, फिर वहाँ पर क्या आता है, रूट एलिमेंट आता है। ये हम लोग मिड टर्म में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। मज़ीद उसमें डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है। हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर देखा था ना, यूवी ट्री बना है यहाँ पर इन ऑर्डर के लिहाज से, ठीक है ना। वही चीज़ लिखी हुई यहाँ पर ही, ठीक है, सेम एक्सप्रेशन ट्री है, बस उन्होंने ब्रैकेट्स लगा दी हैं, कुछ मसला नहीं है, बस इन ऑर्डर के लिहाज से बन गया है लगा, ठीक है ना। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल ट्री, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल ट्री में से क्या आता है कि सबसे पहले सारे कॉन्स्टेंट आएंगे, देन हमारे पास क्या आएंगे, ऑपरेटर्स आएंगे। और ऑपरेटर्स भी किस सूरत में आते हैं, हमारे पास प्रेसिडेंस के थ्रू आते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें ए बी सी कॉन्स्टेंट आ गए हमारे पास, ठीक है ना। अब प्लस और मल्टीप्लाई में सबसे हाई प्रेसिडेंस किसकी है, हमारा मल्टीप्लाई किया ना, फिर मल्टीप्लाई का निशान आएगा, फिर प्लस का निशान आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आएगा, इजीली ट्री में आ जाओ आप, पहले प्लस की बात नहीं करें, प्लस सबसे एंड पर आएगा, क्यों, क्योंकि ये सबसे लास्ट पॉइंट है, रूट एलिमेंट है ये, ठीक है ना। और यहाँ पर इसका पोस्ट ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, पहले लेफ्ट फिर राइट, फिर क्या आता है हमारे पास, रूट एलिमेंट आता है। वो चीज़ लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। लेफ्ट वाला काम हो गया हमारे पास, अब हम राइट वाले में आते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, डी मल्टीप्लाई बाई ई, यानी कि डी ई यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई का निशान आ जाएगा, ठीक है ना। फिर एफ है, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर जी आ गया, अब जी के बाद मल्टीप्लाई आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। ये स्टा करके यहाँ पर काम होता है, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया तो आई थिंक सो आप लोगों को आलमोस्ट जो है ना सारे डाटा सर्च कर समझ में आ चुके हो गया। अब यहाँ पर देखना मज़ीद आगे चलते हैं हम लोग। ये सारा व्यू बताया हुआ है, जो भी मैंने आपको बताया है ना, कि अभी वहाँ प्लस के साथ मूव कर रहा है, पैरेंथेसिस के साथ कैसे काम कर रहे हैं, कैसे ट्री क्रिएट करते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्री नोड्स वहाँ पर कहाँ से क्रिएट हो रहा है, T1 T2 लेफ्ट राइट सब ट्रीज वगैरह कैसे बन रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, सब चीज़ें वहाँ लिखी हुई है। अभी इसके अंदर बता रहे हैं स्टैक के फॉर्म के फॉर्मेट में कि हम लोग जो है ना ऑपरेंट्स और कॉन्स्टेंट्स को जो है ना कैसे हम स्टैक में पुश करते हैं, कैसे हम पॉप करते हैं, ठीक है ना। वो चीज़ बता रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर ए बी लिखा, दो कांस्टेंट आ गए यहाँ पर। अब ये प्लस का ऑपरेटर आ गया। अब प्लस का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है ना प्लस रूट एलिमेंट है और ए बी से क्या है, लेफ्ट राइट है। फिर यहाँ पर सी डी ई आ जाएगा। सी डी ई से बात हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पर देख रहे हैं सी डी ई आ गया हमारे पास। फिर सी डी ई के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस आ गया हमारे पास, ये रहा, किसके साथ लगेगा, ये डी ई के साथ प्लस लगेगा। फिर जिसका आंसर आएगा फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर जिसका आंसर आएगा फिर मल्टीप्लाई होकर इस पूरे एक्सप्रेशन ट्री को क्रिएट कर देगा। यहाँ पर देख रहे हैं ये जिस तरह करके बनेगी, ठीक है। आगे हमारे पास हाफ मैन एनकोडिंग। हाफ मैन एनकोडिंग ऐसी एनकोडिंग होती है जो हमारे पास जो है ना कंप्रेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। किसको, हमारे बाइनरी ट्री को ना एक कंप्रेशन फॉर्म में शो करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकि हम उसको ईजिली एसेस कर सकें। जैसे हमारा बाइनरी साइज ट्री था, वहाँ पर BST आपने पढ़ा, हम लोगों ने मिड टर्म का तो पढ़ा, ठीक है ना। सेम मैचेस उसी कैटेगरी का हाफ पॉइंट अकॉर्डिंग होते हैं, हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर। इसमें ना आप लोगों ने याद रखना की पॉइंट्स, आप लोगों ने याद रखना फ्रीक्वेंसी को चेक करते हैं कि यहाँ पर जो लेटर्स हैं वो कितनी मरतबा रिपीट हुए हैं। पर उसके लिहाज से हम लोग क्या करते हैं, अपने ट्री को क्रिएट करते हैं। और आपने याद रखना है जो एल्गोरिथम है MIT असाइनमेंट थी हमारे पास 1952 में जो बनाई गई थी, MCQs में आता है। और ये साइज़ जो है हमारे पास 70% तक जो डाटा का कंप्रेशन इस्तेमाल करता है, ठीक है। नहीं MCQs हैं आपको पहले बता दूँ मैं, ये आते होते हैं हमारे पास, ठीक है। और ये भी हमारे पास माना गया था टू मेक कंप्यूटर नेटवर्क टू फास्ट, ठीक है ना, ये वाले भी हमारे पास आता होता है, ठीक है ना। और नीचे अगर हम आते हैं ये भी आता है हमारे पास कि हमारे पास जो है एनकोड कितना करता है 33 कैरेक्टर फेस को एनकोड कर सकता है, एग्जांपल के तौर पर उन्होंने बताया हुआ यहाँ पर। और ट्रवर्सिंग थ्रेड बाइनरी ट्रीज, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रवर्सिंग थ्रेडेड बाइनरी ट्री। थ्रेडेड का मतलब क्या, जहाँ पर जो होते हैं ना नोड्स वगैरह के जो पीछे लाइन्स वगैरह होती है उसे हम यहाँ पर थ्रेड कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और ये जो डिपेंड करता है आज के टेबल के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि यहाँ पर कितने पैटर्न में डिपेंड है, 256 पैटर्न में डिपेंड है। और इसके अंदर जो है 26 लोअर केस है और 26 अपर केस अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है ना, आपने याद रखना हमेशा ये चीज़। और इसके अंदर स्पेसेस कितनी आ रही हैं, 33 इंक्लूड स्पेस आ रही है इसके अंदर लाइन के अंदर, ठीक है ना। और वहाँ पर जो नंबरिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक है, नोड साइन, ये सब चीज़ें समझौता है, आपने चीज़ें याद रखनी है क्योंकि MCQ से पूछी जाती है चीज़, ठीक है ना। इसमें जो ये लिखा हुआ है ना हमारे पास, इसमें हम लोग बता रहे हैं कि ए का स्मॉल ए का मतलब 95 है, ठीक है ना। और ए कैपिटल ए का मतलब यहाँ पर क्या 65 है, ठीक है ना। और जो ईच करैक्टर है वो 8 बिट यानी कि 1 बाइट के बराबर होता है। अगर हम बात करें 33 करैक्टर्स के तो 33 × 8 तो कितने हो गए यहाँ पर से 264 आप कह सकते हैं बाइट्स के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो जब हम एफपॉइंट अकॉर्डिंग एल्गोरिथम यूज़ करते हैं ना तो हम सिर्फ 116 बिट के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 264 सॉरी बाइट का था, बिट्स जो लिखे हैं 264 बिट है, उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं 70% या 40% के अराउंड अबाउट, ठीक है ना। किसमें हो जाएगा ये 116 बिट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। अब इसका एल्गोरिथम में क्या होता है, हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि अभी ये शॉर्ट में आ सकता है कि अभी राइट स्टेप टू और ये कौन से राइट द एल्गोरिथम ऑफ एफमैन अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ये पूछ सकते हैं वो लोग। शॉर्ट में आते हैं, फिर लॉन्ग भी आ सकता है, लॉन्ग में आएगा तो आपको सारे लिखने पड़ेंगे। अगर शॉर्ट में दो तो फिर आप 3-4 भी लिख रहे हैं तो मसला नहीं है। अब यहाँ पर लिखा है लिस्ट ऑल द लेटर यूज इंक्लूडिंग स्पेस करैक्टर्स, यहाँ पे याद रखना इंक्लूडिंग स्पेस करैक्टर अलॉन्ग विद द फ्रीक्वेंसी इन विच दे ओकर द मैसेज। यानी कि अब सपोज करें हमारे पास लेटर मौजूद है एप्पल लिखा हुआ है, एप्पल के अंदर आप इसका डबल PR यानी कि P की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 2 होगी, ठीक है ना। बस आगे तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर एप्पल, ठीक है ना। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या, A की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या होगी 1 होगी, P की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या होगी 2 होगी, L की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या होगी 1 होगी, ठीक है ना। और E की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या होगी 1 होगी। ये चीज़ वापस क्या है वो बता रहा है कि आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर वर्ड्स कितने मतलब रिपीट हो रहे हैं, कितने मतलब रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या है, कंसिडर ईच ऑफ दिस करैक्टर फ्रीक्वेंसी पेयर टू बी नोट दे आर एक्चुअली लीव नोट एज विल वी सी, ठीक है ना। बेसिकली क्या कह रहा है करैक्टर और उसके फ्रीक्वेंसी के अलॉन्ग हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, एक लीफ नोट क्रिएट करेंगे। लीफ नोट का मतलब क्या है, हम लोग यानी कि नोट्स और जो हम नॉर्मली तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लीफ नोट सबसे चाइल्डस्ट नोट होता है जिसका कोई मजीद चाइल्ड नहीं होता। पिक द 2 नोट्स विद द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इफ देयर इज अ टाइप, पिक रैंडमली अमॉन्ग दोस विद इक्वल फ्रीक्वेंसी। वही क्या है, सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप बना नोट्स क्रिएट करने के लिए, 2 नोट्स वो पकड़ो जिनकी सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, पूरे फ्रीक्वेंसी में लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हो। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 1 2 3 ये सेम है हमारे पास। अब उसने भी ये बात की है कि अगर हमारे पास लोएस्ट फ्रीक्वेंसी या फिर क्या हो हमारे पास अगर इक्वल हो ना, ठीक है ना, उनको पकड़ लो, ठीक है ना। उसके बाद मेक अ नोट आउट ऑफ दीज 2 एंड टर्न 2 नोट्स इनटू इट्स चिल्ड्रन, ठीक है ना। यानी कि एक नोट क्रिएट करने के बाद ना उनके बाद फिर एक मजीद नोट क्रिएट करो ताकि वो दोनों का एक चिल्ड्रन बन जाए, ठीक है, चिल्ड्रंस वगैरह बन जाएंगे ना तो उससे एक ट्री बन जाएगा। अभी सारा वर्बली समझे तो उसको परफॉर्म करेंगे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। दिस न्यू नोट इज असाइंड द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अवर चिल्ड्रन। अब जो हम यहाँ पर नोट क्रिएट करेंगे ना, अब दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो वहाँ पर एक रूट ना एलिमेंट बनेगा जो कि वहाँ पर क्या होगा टोटल फ्रीक्वेंसी शो करेगा उन दोनों चार्ट को मिलाकर, ठीक है ना। उसके कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ कम्बाइन द नोट 2 नोट्स ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी टिल द टाइम ओनली 1 नोट दैट रूट इज लेफ्ट। यानी कि आप ऐसा करते रहें जब तक हमारे पास रूट एलिमेंट हम ना पहुँच सके। अब जैसे कि यहाँ पर देखते रहे हमारे पास लेटर्स दिए हुए, फ्रीक्वेंसी दिए हुए, 30 कैरेक्टर्स मौजूद है, स्पेस एंड न्यू लाइन के साथ मौजूद है, NLSP स्पेस एंड, ठीक है ना। ये न्यू लाइन है, यहाँ पर स्पेस है, ये A B D E G H मौजूद है। इसकी वन फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, ये 1 2 5 1 1 है, ठीक है ना। कभी बार आपको टेबल दे देंगे, कभी बार आपको जो है ना ये चीज़ टेस्ट लिख देंगे, ठीक है ना। इसमें से आपको जो है ना आप कह सकते हैं मालूम करना पड़ेगा कि स्पेस कितनी मरतबा है। यहाँ पर देख रहे हैं स्पेस 1 2 3 स्पेस आई हुई, यहाँ पर 3 स्पेस लग दी। न्यू लाइन यहाँ पर मौजूद है, न्यू लाइन एक ही मौजूद है उसके अंदर, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर देखें ना यहाँ से एक न्यू लाइन पर आ गई चीज़, ठीक है ना, एक न्यू लाइन आ गई वापस। अब यहाँ पे ए कितने मरतबा है आपको खुद देखना पड़ता है, फिर उसके लिए आपको फ्रिक्वेंसी क्रिएट करनी पड़ती है। अब उसने बता दिया आप ए 3 मरतबा आया, सारे साल के लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे वर्ड्स को ना NLSP ABDEGH को ना इन्होंने ऐसे एक अलग नोट्स बनाया, ठीक है ना। इन अलग नोट्स पर बनाने के बाद यहाँ पर ए की फ्रिक्वेंसी कितनी थी, 3 थी, यहाँ पर 3 लिख दिया। अब टी की फ्रिक्वेंसी यहाँ पर 3 थी, वो लिख दिया। डी की 2 थी, डी की यहाँ पर क्या देखें 2 है ना, आई की 2 है, एन की 2 है, एस की 2 है, फिर उसके एन एल की 1 है, बी की 1 है, जी की 1, एच की 1 है, ठीक है ना। ई की 5 है, आर की 5 है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, और एस पी की यहाँ पर कितनी है, 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर बता रहा है जो वहाँ पे इक्वल नोट है, 2 इक्वल नोट्स को आपको इससे भी 2 रैंडमली इक्वल नोट्स को उठा लें, चाहे एन एल बी को उठा लें, चाहे आप जी एच को उठा लें, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बताया VY, ठीक है ना। दोनों को प्लस करेंगे आप, आंसर क्या आ गया यहाँ पर 2 आ गया। हमने एग्जाम्पल तो यहाँ पर बताया भैया, ठीक है ना। बेसिक यहाँ पर जो ओरिजिनल नोट्स हैं ये नोट्स हैं, वहाँ पर ये नोट्स, ठीक है, जिसको हमने यूज़ करते हुए बना रहा है। तो नीचे आएंगे हम लोग, यहाँ पर देखें ना पूरा पूरा ट्री बनाया, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर देखें ये VY आई थिंक उन्होंने दिया हुआ हमें, VY हमें नहीं दिया हुआ, नहीं होगा VY हमारे पास इसके अंदर, ठीक है ना। एक V वहाँ पर यह मौजूद है, ठीक है ना, और वाई वहाँ पे ये मौजूद है। रेक की मरतबा रिपीट हो रहे हैं, लेकिन टेबल के अंदर मेंशन नहीं किया उन्होंने, लेकिन हाँ मौजूद है हमारे पास, VY हमारे पास मौजूद है, ठीक है ना। उन्होंने रैंडमली यहाँ पर उठाया, रैंडमली कोई भी इक्वल उठा लें, या फिर अगर आपका इक्वल नहीं है तो आपने सबसे याद रखना सबसे लोएस्ट फ्रिक्वेंसी वाले होंगे ना उसको उठाना, ठीक है ना। तो फिर क्या करना है आपने, उन्हें VY, ठीक है ना, इन दोनों के यहाँ पर लिखा +2 के यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है ना। अब क्या करना है आप लोगों ने देखना है कि VY ख़त्म हो गया, अब उसके अलावा हमारे पास 2 रह गया, वहाँ पे एक न्यू जो फ्रिक्वेंसी है 2 आ गया ना। अब उसमें देखें यहाँ पर सबसे लोएस्ट एलिमेंट कौन सा है, 2 और 3 में, यहाँ पे देखें यहाँ पर एक 2 आ गया। अब 2 से एक वहाँ पर 2D आता है, उसके बाद E आता है और SP आता है ना, हम लोगों ने यहाँ पर SP उठा लिया। जो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला होगा ना 2 से नज़दीक इक्वल या फिर उसके बराबर वाला होगा, इक्वल या फिर उसके नज़दीक वाला होगा ना, उसको उठाना है। तो हमने यहाँ पर 3 वाले को उठा लिया, ठीक है ना। 2 वाला यहाँ से, यह 3 वाला यहाँ पर आ गया। अब 2 + 3 करेंगे वापस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 5 के इक्वल कौन सा आ गया, 5R आ गया, फिर दोनों का प्लस करेंगे 10 आ गया, ठीक है ना। एक्स्ट्रा करेंगे आपस फिर क्या होगा इधर भी। अब इस साइड में आपस क्या आ रहा है, इस साइड पर लगा टेबल बन गया। अब इधर आ जाए, इधर वही चीज़ बनी वापस, ठीक है ना। 1GH फिर यहाँ पर लिखा प्लस के एक्स्ट्रा करके, यहाँ पर NLB था, इन दोनों को प्लस किया, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है ना। एक्स्ट्रा करके हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, इन दोनों को 4 आ गया, 4 + 5 यहाँ पर कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है ना। अब 9 + 10 कितना हो गया, यहाँ पर 19 हो गया, ठीक है ना। एक पूरा का पूरा हमारे पास जो है राइट ट्री बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे लेफ्ट ट्री में। लेफ्ट ट्री में हमारी कोशिश होती है जो लोएस्ट एलिमेंट है ना वो हम लोगों ने रखना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, 9 आ रहा है ना, ठीक है ना। तो इससे यहाँ पर लोएस्ट वाले ही एलिमेंट यहाँ पर है। अब यहाँ पर देख रहे हैं 2, ठीक है, 2 कितना हो गया 4, 2 कितना हो गया अब 4 हो गया, और 4 + 4 कितना हो गया 8 हो गया। सेम है कि 3 कितना हो गया 6 हो गया, और 6 + 8 कितना हो गया 14 हो गया, और 14 + 19 कितना हो गया 33 हो गया। यानी कि अब पूरा पूरा टेबल जो बना है यहाँ पर उसका जो रूट एलिमेंट है वो कितना हो गया 33 पर आप कह सकते हैं यहाँ बंद हो गया। अब बेसिकली होता है क्या हमारे पास जो हम इसका कैलकुलेशन निकालते हैं ना, कैलकुलेशन में ये होता है 33, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है ना। ये हमारे पास जो है ना टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने थे पर करैक्टर के लिहाज से उसको डिवाइड करते हैं, फिर हमारे पास जो है एक प्रॉपर इसका आंसर आता है। खैर वो हमारे पास हैंड नोट्स के अंदर में भी बताया, वो जो लेक्चर नंबर 26 है आपको मैं दिखाया, तो मैं ये भी पूरा पूरा हैंड कोडिंग वाले ही बता रहे हैं यहाँ पर। ये वही चीज़ें यहाँ पर आपको मैंने बताया, सारे एलिमेंट्स थोड़ा बहुत लेक्चर रिपीट है इसके अंदर, ये वो बता रहे हैं यहाँ पर सेक्शन कैसे मौजूद होता है, कैसे क्रिएट नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे फ्रीक्वेंसी बनी है यहाँ पर सर किसी की, इसमें मौजूद है VY मौजूद है इसके अंदर, ठीक है ना, करैक्टर समेत। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिए सारा स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है इसके अंदर भी, ठीक है ना। यहाँ पर बताने कि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कैसे क्रिएट हो रहा है। जितनी यहाँ पर लीफ हो, सबसे पहले हम आप जितनी भी आप फ्रीक्वेंसी है ना आप लोगों ने याद रखना है। स्टेप 1 में क्या करना है, सबको लीफ नोड बनाना है, सबको लीफ नोड बनाना है। यहाँ पर देख रहे हैं उसने क्या किया, सबको एक लीफ नोड बनाया जिसका कोई चाइल्ड नहीं है, जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं है। फिर जहाँ मुझे से इसको आप उठा लें, ठीक है ना। ठीक हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे तो यहाँ शुरू किया, अब 1+1 2 हो गया, 1+1 2 हो गया, 1+1 2 हो गया, ठीक है। और आप लोग ने याद रखना है राइट साइड कैपिटल होगी, लेफ्ट साइड क्या होगी स्मॉलर होगी, यानी कि यहाँ पर जो है ग्रेटर देन जो होंगे नंबर राइट साइड पर आएंगे और लेफ्ट में क्या आएंगे स्मॉलर नंबर आएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा करके यहाँ पर क्या कर रहा है वो बनाते जा रहा है इस पूरे ट्री को एक्स्ट्रा करके, ठीक है ना। ये चीज़ एक्स्ट्रा करके बन रही है हमारे पास। अब मज़ीद जो है अकॉर्डिंग मज़ीद डिस्कशन होगी ना, हम उसको प्रॉपर तरीके से कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते हैं उसको मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसका नाम बाइनरी यानी कि लेक्चर 26 ही होगा वो, उसके अंदर मैं हैफमैन अकॉर्डिंग को बना के भी दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। और साथ साथ जो है बाइनरी ट्री भी समझाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अभी मैं थोड़ा आपको वर्बली समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, इसके बिहाइंड वर्किंग क्या होती है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए जब पूरा ट्री बन जाएगा ना, आपने क्या करना है इसके जितने भी राइट साइड वाले एलिमेंट होंगे, जितने भी राइट साइड वाले एलिमेंट हैं वहाँ पर लिख देना 1 1, यहाँ पर 1 1 1 1, जितने भी राइट एलिमेंट है यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी राइट है, उसके बाद ये राइट है 1 1 1, ठीक है ना। ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ठीक है ना। ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। और जितने भी इसके लेफ्ट साइड एलिमेंट होंगे वहाँ पर आपने बोला क्या लिख देना है 0 लिख देना, ठीक है ना, 0 0 0 0 0, ठीक है ना। अब उसके इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि हम यहाँ पर जो ना इसकी चीज़ों को एसेस कर सकते हैं बाय नंबर ऑफ़ बिट्स। मिसाल के तौर पर अगर मैंने y को यहाँ पर एसेस करना हो, ठीक है ना, तो y को एसेस करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा 1 1 1 0 1। ये है इसकी एलिमेंट की बिट्स, कितनी बिट्स लगनी है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। कि पूरे रूट एलिमेंट से लेकर यहाँ तक का जो रास्ता है ना उसे आपने वो बताना होता है। शॉर्ट और लॉन्ग में खैर नहीं इतना आता, इसका शॉर्ट में आता है, एमसीक्यूज में आता है। पूछते हैं कि भी जो कोई भी एलिमेंट दे देंगे पूछेंगे ई का क्या रास्ता होगा, ई का एलिमेंट अगर मैं फैच करना तो उसका रास्ता क्या होगा 1 0 1। अगर मैंने यहाँ पर जी को मालूम करना तो जी का रास्ता क्या होगा 1 0 0 1 0, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पर जो है एस को मालूम करना उसका क्या होगा हमारे पास 0 1 1 1, ठीक है ना। सेम है, अगर मैं टी को मालूम करना है उसका रास्ता क्या होगा यहाँ पर 0 0 1। अगर मैंने ए को मालूम करना है तो उसका रास्ता क्या होगा 0 0 0। ये इस तरह करके आप मान अकॉर्डिंग जो है ना वर्किंग करती है इसके पूरी के पूरी। यहाँ पर देख रहे हैं उस साथ बता भी दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो ई का रास्ता बताया था, ई का रास्ता एस का रास्ता बताया था मैंने अभी, सॉरी यहाँ पर ए का रास्ता क्या यहाँ पर 0 0 0 है, ए का रास्ता यहाँ पर देख रहे हैं क्या है यहाँ पर 0 0 0, ठीक है ना। इस तरह करके यहाँ बनता होता है, ठीक है। वो आप लोग अगर लॉन्ग देंगे भी ना, लॉन्ग में भी आपको ट्री बना कर दें, आप लोगों ने एक्स्ट्रा करके एक टेबल क्रिएट करना होगा पर करैक्टर के लिहाज से कि इसका रास्ता क्या होगा, इसका रास्ता क्या होगा, इसका रास्ता क्या होगा। मे बी शॉर्ट में आ जाए, मे बी एमसीक्यू से पूछ सकते हैं, एक वर्ड बता देंगे इस वर्ड का रास्ता क्या होगा पूरा पूरा, ठीक है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने उसको एक चीज़ को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। बाकी सब चीज़ें वही बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना कैसे काम करता है कैसे काम नहीं करता है, कितने बिट्स वहाँ पर मौजूद हो रहे हैं कितने बिट्स मौजूद नहीं हो रहे। और ये जो वर्किंग होती है वो वहाँ पर जो है आप कर सकते हो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को जैसे फॉलो नहीं करता, लेकिन ये प्रायोरिटी क्यू को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? ये प्रायोरिटी क्यू को फॉलो करता है। हमारे पास जो है ना पर लाइन फाइल जो है कंप्रेस करता है कितने परसेंट, 50 से 60% या फिर 70% मैक्स तक, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ बता रहा था द फाइल ऑफ 1 MB विल कंप्रेस टू हाफ MB एंड कैन सेंड मोर इजीली, ठीक है। जारी बात है अगर 1 MB की फाइल है तो वो 0.5% तक भेज सकता है, पूरा पूरा कंप्रेस करके भेज सकता है। आगे हमारे पास है मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले हम लोग ने आप लोगों ने क्या करना है हैफमैन अकॉर्डिंग और चीज़ें वगैरह को देख लेना। पर अगली वीडियो में लेक्चर 26 के अंदर थोड़ा बहुत हैफमैन अकॉर्डिंग रिवीजन, जिसमें थोड़ा बहुत बताऊँगा कि हैफमैन अकॉर्डिंग कैसे क्रिएट होता है, ठीक है ना। आपको ये समझ में आ गया ना कि भी सर जो टेबल है वो कैसे क्रिएट करना है, यानी कि ये वाला टेबल कैसे क्रिएट करना है, ठीक है ना, पाथ को फॉलो करते हुए। आपको आई थिंक सो इसके मैकेनिज्म भी समझ में आ गया होगा कि इसका मैकेनिज्म कैसे चलता है, ठीक है ना। बस आपको ये चीज़ यहाँ पर डाउट है ये टेबल कैसे क्रिएट करना है, उसके बारे में आपको मैं अगली वीडियो में थोड़ा समझा दूँगा, ठीक है ना। अभी समझाने का फ़ायदा नहीं, क्यों अगर आज भी समझाता ना तो आप लोग को इसका मैकेनिज्म प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आता, ठीक है ना। अभी आपको लोगों क्या क्लियर हो गया एक्सप्रेशन ट्री कैसे क्रिएट करते हैं, हैफमैन अकॉर्डिंग का बिहाइंड मैकेनिज्म क्या होता है, फ्लो क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, और आप लोगों को ये भी समझ में आ चुका है कि भी इसका टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक सारा क्लियर हो गया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम देखेंगे हैफमैन अकॉर्डिंग कैसे उसका जो टेबल है कैसे क्रिएट करना है, ठीक है ना। और ये जो हमारे पास मौजूद है बाइनरी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी, ये चीज़ हम लोगों ने कैसे कवर करनी है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 27 भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी थर्ड, एडिंग थर्ड, वेरिस इन ऑर्डर सक्सेसर, इन ऑर्डर ट्राइवल सर, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बिल्कुल लॉन्ग में पूछते होते हैं। अभी शॉर्ट में आए तो टी बना देंगे वो लोग और कहेंगे कि भी इसका इन ऑर्डर लिखो या फिर प्री ऑर्डर लिखो या फिर पोस्ट ऑर्डर लिखो, ठीक है, नीचे से पूछते होते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मज़ीद डिस्कशन होगी अगली वीडियो में, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।